कोरोना ऑनलाइन कोर्सेस और प्यार, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कोरोना की महामारी चालू है, पैंडेमिक, पिछले 6 महीने से हम घरों में हैं ज्यादातर टाइम। अभी अभी लॉकडाउन खुला है, वो भी पूरा नहीं। स्कूल सभी बंद है, स्कूल कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस सब बंद है। ऑनलाइन कोर्सेज चालू है। अभी हो क्या रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको अभी माँ बाप को फोन देना पड़ रहा है, स्मार्टफोन, और वो बच्चे ऑनलाइन अभी कोर्सेज कर रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था, जो पहले देते ही नहीं थे। हम बोलते थे नहीं, बच्चों को फोन देना ही नहीं है। अभी तो हम बोलते बच्चों को फोन दो, क्योंकि अभी उनको पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन स्कूल चल रही है, ऑनलाइन कॉलेज चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अभी होता है क्या कि माँ बाप के, भले बाप के पास में, पिताजी के पास में फोन नहीं होगा, माँ के पास में फोन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना फोन उनको देते हैं कि तुम फोन लो, ये पढ़ाई करो। अभी हो रहा क्या है कि बच्चों के हाथ में फोन जा रहा है और बच्चे उसका उल्टा उपयोग कर रहे हैं। अभी काफी करीब करीब पिछले 15 दिन में मेरे पास में कम से कम 5 ऐसे केसेस आ गई कि जो बच्चों को मेरे पास में लाया, उनको एक तो पॉर्न एडिक्शन हुआ, उनको मोबाइल का एडिक्शन हुआ, और उसमें से 3 ऐसी लड़कियां थी कि जो लड़कों के साथ में भाग जाने का प्लान बना रही थी, पकड़े गए, उनको घर में वापस लाया। घर में पता भी नहीं, क्योंकि बच्चे अपने पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं मोबाइल लेके, फिर अंदर क्या करते हैं, कितना समय अंदर पढ़ाई करते हैं, कितना समय ऑनलाइन क्लास चलता है, और किससे बातें करते हैं मालूम भी नहीं है। टिकटॉक के ऊपर प्यार हुआ रिसेंटली, मेरे पास में एक बच्चे को लाया, दोनों को लाया था, तो दोनों भी बच्चे, बच्चियां जो थी उनको टिकटॉक के ऊपर प्यार हुआ, फॉलो करना चालू किया, व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें एक दूसरे को जानना चालू कर देते, फेसबुक के ऊपर चालू, मतलब जो पहले मालूम ही नहीं था वो भी चालू है, और पागल जैसा लोग कर रहे। वो लड़की 15 साल की लड़की है जिसको मेरे पास में लाया था, लड़का 24 साल का है, एक दूसरे को कभी देखा नहीं, सिर्फ फोन पे देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे, फोटो देख रहे एक दूसरे के, और घर से भाग जाने का प्लान बना लिया। कास्ट अलग है, घर से ना बोलेंगे, लड़की 15 साल की है कि हम भाग जाएंगे, हम दूर कहीं चले जाएंगे, वहां रहेंगे, और वहां 18 साल के जब तुम बन जाएंगे तब हम शादी करेंगे। उनको कुछ मालूम नहीं, वो लड़की को कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, घर से भाग जाएंगे तो पढ़ाई आगे करनी नहीं करनी है, कैसा क्या होगा, कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल प्यार में अंधापन। माँ बाप को एकदम हादसा हो गया दिमाग को कि अरे हुआ क्या, एकदम अचानक घर से लड़की भाग गई, दिखी नहीं रही, रात को 10 बजे घर में थी, अभी तक 8 बजे घर में देखी, 10 बजे अरे कहाँ, कमरे में थी, दिखी नहीं, चालू किया देखना इधर उधर, कहाँ चले गई, बोले उसके पास में फोन भी नहीं है, उसके कपड़े बैग भी नहीं दिख रही है, वहां कुछ तो भी, मतलब कुछ सामान सुमान भी नहीं है। दौड़ना चालू किया इधर उधर, वो लड़के को मिलना उसका तय था, कहाँ मिलना था, वहां जाके खड़े हुए थी। कुछ कारण ऐसा हो गया कि वो लड़के का फोन नहीं लगा, उसको घर से कुछ प्रॉब्लम था इसलिए उसका टाइम हो गया, ये लड़की उसका इंतजार कर रही, उसको वहां पकड़ के घर पे लाया। बाहर बोल भी सकते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं अपने बदनामी हो जाएंगी, लड़के की कंप्लेंट नहीं कर सकते। फिर डर ऐसा है कि लड़के ने कुछ इसके फोटो निकाले होंगे, इसके फोटो उसके पास में होंगे, पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया होगा अभी तक। और फिर ऐसे हालात में बाहर कुछ बोलना भी नहीं है, लड़की को भी कुछ करना नहीं है, ऐसे हालात में ब्लैकमेलिंग में माँ बाप है भी, ब्लैकमेल हुए माँ बाप है भी, और बहुत परेशानी है। और एक ही घर के नहीं, 5 ऐसे केसेस हो गए कि जिनको बच्चों को मोबाइल दिया और ये ऐसा प्रॉब्लम तैयार हो गया। मतलब नए नए प्रॉब्लम अभी तैयार हो रहे कोरोना की वजह से। उसमें का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, कोरोना का पॉर्न एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन, पबजी एडिक्शन, और ऐसे प्यार में अफेयर, मतलब अफेयर्स करना और प्यार में ये काम करना, इस तरह के काम करना। तो अभी माँ बाप को इसमें अभी बहुत सतर्क करना जरूरी है कि भाई सच्ची लड़का लड़की फोन लेके बैठे हुए है तो कितना समय स्कूल चल रही है ऑनलाइन, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, फोन में क्या मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, व्हाट्सएप में क्या मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है 15-16-17 साल की उम्र जो है इसमें नेचर चुप नहीं बैठने देता, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होते हैं और वो इतना अंदर से जोर मारते हैं, रोकने के लिए कुछ भी किया तभी वो रोक नहीं सकते, मतलब इतना अट्रैक्शन होता है, वो फिजिकल अट्रैक्शन रहता है अपोजिट सेक्स की तरफ और वो रोक नहीं पाते हम उनको, अंधा प्यार।
और स्पेशली ये उम्र में एकदम फिजिकल इंट्रैक्शन होता है, मानसिक कुछ नहीं रहता और पूरा पागलपन। मतलब वो लड़की को मैंने पूछा कि आप अभी, तुम्हारी उम्र 15 साल की है अभी, आप जा रहे हो, वो लड़का 24 साल का है, कहाँ जाने वाले थे, कहाँ रहने वाले थे, क्या खाएंगे पिएंगे, पढ़ाई आगे करने वाली थी, तुम 3 साल रुकना था 18 साल के बाद में शादी करने वाले थे, तब तक वो लड़के को कोई नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं, क्या? तो उसके पास में कोई जवाब नहीं है। तो अभी पेरेंट्स को इसमें ख्याल रखना जरूरी है, पेरेंट्स ने सतर्क होना जरूरी है, और ये करेंगे तो फायदा पेरेंट्स का होगा, बच्चों का भी होगा, और ऐसे ऐसे जो इंसिडेंट्स घटनाएं जो है हम उसको रोक सकेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो सभी जो पेरेंट्स अभी अपने माँ बाप जो है, मतलब सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल चल रही है, सबको ये शेयर करो कि उन्होंने ये सतर्क रहना जरूरी है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, आगे बहुत बड़ा चैलेंज अभी माँ बाप को फेस करना पड़ेगा। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं कर सकते हैं, ऑनलाइन में हिप्नोटिज्म करता हूँ, ऑनलाइन वीडियो कॉल से हिप्नोटिज्म हम करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, सेक्स काउंसलिंग ऑनलाइन से करते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। आपको कुछ भी सवाल होंगे तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हमारी ऐप आप डाउनलोड करो, और हमारे यहाँ बिना रिश्तेदार लंबे समय तक पेशेंट रखने की सुविधा उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में, लॉन्ग स्टे पेशेंट्स रिहैब सेंटर है, व्यसन मुक्ति केंद्र है, तो उसमें भी आप लोगों को रख सकते हैं कुछ दिन के लिए बिना रिश्तेदार। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।